जागरूकता बढ़ जानी घर धीरज प्रतीत पुरानी तनमन वचन को पर साचा प्रपद पर सर्व चित साचा तव भगवान सकल प्रवासी करि मोहि रघु पर कैदासी जहके जय कर सत्य स्नेह सो ते मिलन कर संदेह प्रभु तक चितै प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना सियत विनोद तक धन कैसे चितव गर्व लोग ज्ञान जैसे आप लोग कल इसका मीन देख लीजिए गिरा गिरा माने होता है बारी गिरा माने होता है बारी गिरा माने बारी होता है अलिन अलिन माने होता है भरनरी अलिन माने होता है भरनरी अलिन माने भरनरी होता है ला लाल निशा माने होता है लज्जा रूपी रात्रि लज्जा रूपी रात्रि अलौकिक माने देखना होता है कृपा भय कंजूस होता है सब्जी माने सर माने होता है आंसू छलछला आ रहे हैं लेकिन अपने उन आंसुओं को
रामचंद्र जी का होकर रह गया तो रहेगा ही नहीं। कृपा निधान राम समझाना, कृपा के सागर से रामचंद्र जी सीता जी के सभी भावनाओं को जान जा रहे हैं, सीता जी की मन की बातों को जान रहे हैं। सिया के लोग तके भूम कैसे, इसलिए श्री रामचंद्र जी सीता जी को ध्यान पूर्वक देखते हैं और फिर सुधंस को इस प्रकार से देखते हैं, चिता गरुड़ लोग ग्यारह जैसे गरुड़ माने गरुड़ होता है, ग्यारह माने सर्प होता है। सिया के लोग तके धर्म कैसे, श्री रामचंद्र जी सीता जी को ध्यान पूर्वक देखते हैं, इसके बाद सुधंस को इस प्रकार से देखते हैं जैसे कोई गरुड़ छोटे से सर्प को देखता है। अब आप लोग दोहा देखिए, लखन लखन और वंश मन ताके हुए कोदन हो, पुलक गात बोले वचन जन्म चाप ब्रह्मांड हो। लखन माने लक्ष्मण, लखन माने देखे न वंश मन माने रघुवंश वही श्री रामचंद्र जी, ताके माने देखे हर माने सिंह, कोदन माने धनुष, पुलक माने पुलकित होना, गात माने शरीर होता है, चरण चाप चरण माने चरण चाप माने दबाए, ब्रह्मांड माने ब्रह्मांड, लखन लखन रघुवंश मन ताके हर कोदन पुलक गात बोले वचन जन्म चाप ब्रह्मांड। लखन लखन रघुवंशमन, इधर जब लक्ष्मण यह देखते हैं, लखन लखन रघुवंशमन, इधर लक्ष्मण जब यह देखते हैं कि रघुवंशमन श्री रामचंद्र जी ताके भर को दंड शिव धनुष को उसको खंडित करने की दृष्टि देख रहे हैं। लखन लखन रघुवंशमन ताके भर को दंड, इधर लक्ष्मण जब देखते हैं कि रघुवंशमन श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को खंडित करने की दृष्टि देख रहे हैं, तो पुलक गात बोले वचन जन्म चाप ब्रह्मांड, तो उनका शरीर आनंद से पुलकित हो जाता है और शिव धनुष को खंडित होने पे ब्रह्मांड में उथल पुथल ना बच जाए, इसके कारण वह अपने चरणों से धरती को दबाकर ऐसा वचन बोले। अब आगे आप लोग इसका पहले आप लोग काव्य संग्रह देख लीजिए, काव्य संग्रह देखिए, काव्य काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य देख लिया आप लोग, काव्यगत सौंदर्य भाषा भाषा अवधि है, भाषा अवधि गुण माधुर्य गुण है, इसमें गुण माधुर्य है, रस रस श्रृंगार है, रस श्रृंगार है, अलंकार अलंकार से उपमा अलंकार है और रूपक अलंकार है, छंद इसमें छंद है चौपाई चौपाई और दोहा। अब आप लोग अगला देखिए, आप लोग अगला देखिए, आगे का आप लोग देखिए, विकल विशेष विकल विशेष पेशाबा होना है, और इसका आप मीन देख लीजिए, दिश कुंजर या कच्छप,
विशेषण और विशेष प्रकार होता है। अब इसको आप लोग देखिए, दिस कुन जरा कपट ही कोला, दिस कुन जरा कपट ही कोला, धरन धरन धरी धीर में डोला, राम चहार संकर धन तोरा, हो सुगत सुन आय सुमोरा, दिस कुन जरा, दिस कुन जरा माने होता दिग्गजो, कपट माने का अच्छा होता है, अहि माने होता है सब, कोला माने होता है रैम, धरन माने धारण को धर माने कितनी, डोला कोई केवल नहीं है। कहने का तात्पर्य
बच्चों आज इतना ही, अब आप लोगों से मिलेंगे, आप लोगों को जो कुछ समझ में ना आए उसको आप लोग मुझसे पूछ लिया करो।